Hello children, so in this video by observing this diagram you can get idea that today we are going to start structure of heart. Okay, kya hua ye yahan se structure of samajh jao heart. बताया था ना कि दिल का रिश्ता जुड़ गया है हमारा, तो अब आज पढ़ने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो ऑब्जर्व दिस केयरफुली एंड टेल मी हाउ मेनी चैम्बर्स यू कैन सी. फोर ना. सो इफ वी सी ह्यूमन हार्ट, फोर चैम्बर्स आर प्रेजेंट. दिस यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, सो इफ वी राइट देन टू फोर चैम्बर्स आर प्रेजेंट. चैम्बर्स हाउ मेनी? फोर. ओके, टू अपर एंड स्मॉल एंड टू लोअर लार्ज. दिखाई दे रहे हैं? वही हम हार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे. इसी डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है. टू अपर एंड टू लोअर. टू अपर स्मॉल, टू लोअर लार्ज. अपर चैम्बर्स आर नोन एज auricles. So these two are auricles. Okay, one auricle, another one auricle. Okay, and large chambers are known as ventricles. Auricles are also known as atria. Okay, single बोलेंगे तो atrium, दोनों को मिला करके बोलेंगे तो atria. Okay, so but our heart you can see is divided into two parts. फर्स्ट सेकेंड यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ओके बच्चों, गेटिंग ना? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. सो वन साइड इज दिस, वन साइड इज दिस. तो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज राइट ऑरिकल. ओके, क्लियर बच्चों? फाइन. सो व्हाट आर दीज? दीज आर वेंट्रिकल, बट दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. ओके, गेटिंग ना? क्लियर हो गया मामला? चैम्बर्स की कहानी समझ में आ गई? ओके, बोथ ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स means they will receive blood. अब they will receive blood, तो जो भी यहाँ पर artery आ रही है वो क्या करेगी? blood को receive करेगी. तो arrow हम यहाँ enter करा देते हैं, यहाँ enter करा देते हैं, because they are the receiving chambers. ये जो आ रही हैं ये भी क्या करके आ रही हैं? receiving chambers. ये भी receive करके आएंगी, ये भी लेकर के आएंगी. तो auricles are receiving chambers. तो यहीं लिख देते हैं, receiving chambers. Okay, and ventricles are pumping chambers. यानी कि distributing chambers. Who? Ventricles. Okay, ventricles are pumping chambers. तो जो ventricles से आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या हैं आपकी? यहाँ एरो बना दें, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये भी एरो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और यहाँ से भी जाएगा तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा. जब दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये सेपरेटिंग लाइन क्यों है? ओके, बिकॉज राइट साइड ऑफ हार्ट, दिस वन राइट साइड ऑफ हार्ट डील्स विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट डील्स विद oxygenated blood. Whether right left auricle is there, whether left ventricle is there, they both will contain oxygenated blood, and right auricle and right ventricle will deal with deoxygenated blood. It means right side with deoxygenated blood and left side with oxygenated blood. पूरी की पूरी कहानी इसी पर based है. Okay बच्चों, तो यहाँ हम लिखते हैं राइट साइड, वेदर दे आर वेंट्रिकल्स, वेदर दे आर ऑरिकल्स.
राइट साइड डील्स विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल लेफ्ट साइड डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड. स्टूडेंट कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड इन विच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड डीऑक्सीजनेटेड इट डजेंट मीन कि इट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन. इट कंटेन्स ऑक्सीजन बट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एंड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस. इज दैट क्लियर बच्चों? हो गया ना क्लियर? सब चीज समझ में आ रही है? फाइन. नाउ जो ऑरिकल्स हैं दे आर राइट ऑरिकल स्पेशली दीज टू. राइट ऑरिकल रिसीव ब्लड थ्रू टू मेजर वेन्स क्योंकि वी नो दैट वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. तो यहाँ जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीनेटेड आएगा. तो ये दोनों वेन्स एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से आ रही है. तो दिस राइट ऑरिकल रिसीव्स द ब्लड थ्रू टू मेजर वेन्स कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा दैट इज प्री केवल एंड इन्फीरियर वेना केवा दैट इज पोस्ट केवल. तो यहां लिख दें दिस इज वेना केवा एंड दिस इज इन्फीरियर वेना केवा. ओके गेटिंग ना? एंड दीज टू आर रिसीविंग दे आर नोन एज पल्मोनरी आर्टरी. दीज टू आर दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इज और किधर से जा रही है? फ्रॉम द राइट साइड ऑफ लंग दैट इज फ्रॉम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल. तो ये है पल्मोनरी ये होगी पल्मोनरी वेन एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर दी एक्सेप्शंस. ओके दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर दीज टू आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मीन्स आर्टरीज ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके यानी कि सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके एंड सेम फॉर वेन ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इज दैट क्लियर? लेबलिंग भी हम साथ के साथ करते चले जा रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट? देन आफ्टर ये जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है जिसमें से मैंने तीन सींग जैसे निकाल के रखे हुए हैं दिस इज द एओर्टा. प्रोनंसिएशन शुड बी क्लियर एओर्टा. ओके एंड यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी. ओके राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय यस ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ओके एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय इंटर वेंटिकुलर सेप्टम. तो ये कौन सा सेप्टम हो गया डिवाइडिंग लाइन? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके बच्चों एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत समझ में आनी चाहिए दिमाग में रखनी भी चाहिए कि बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल. यहाँ समझ में आ रहा है ना? बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल वॉल्व्स आर प्रेजेंट. इनफैक्ट बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्व्स आर प्रेजेंट. तो इन दोनों के बीच के वॉल को बोलेंगे हम बाय कस्पिड वॉल्व. ये फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड में. बोर्ड में तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ एनटीएससी में पूछा जाएगा. और दिस इज
tricuspid valve. What is the function of valve? Both are, they maintain the unidirectional flow of blood. Means अगर ब्लड यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो वापस यहां नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्व्स उसको जाने से रोक लेंगे. ये वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने के टाइम पर वो एक साउंड निकालेंगे. दैट साउंड इज नोन एज लब, LUBB. ओके, लब साउंड. गेटिंग माई पॉइंट? तो वॉल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, एंड बिटवीन द लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वॉल्स आर प्रेजेंट. दे ऑल्सो मेंटेन द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज दे मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. ओके बच्चों, क्लियर कट? क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी कहानी में क्या आने वाला है, ट्विस्ट, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे. ओके बच्चों, देन अगर इतनी सारी बात करने के बाद में हमने साइज की तो बात ही नहीं की, तो व्हाट इज हार्ट? हार्ट ये तो हमें पता है, इट इज पंपिंग ऑर्गन, इट इज मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन. ओके, एंड फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ. ओके, एंड और क्या कर सकता है? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स? दे नेवर अंडरगो फैटी. ओके, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर नोन एज प्लूरा, एंड इट्स साइज इज द फिस्ट ऑफ ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बींग. जितनी जैसे मुट्ठी, बंद मुट्ठी जितनी होगी ना, उतना ही बड़ा साइज होगा हमारे हार्ट का. यानी कि इतना बड़ा साइज हमारे हार्ट का है, मेरे हार्ट का साइज इतना बड़ा है. ओके बच्चों, यानी कि बंद मुट्ठी के बराबर. गेटिंग? क्लियर हो गया ना मामला सब कुछ? वैसे हमें यहाँ सेपरेट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? यहाँ भी हम सेपरेट कर रहे हैं ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड राइट साइड में रख रहे हैं, ऑक्सीनेटेड लेफ्ट साइड में रख रहे हैं. व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेटिंग द ब्लड? अगर सेपरेट नहीं करेंगे ना बच्चों, तो दोनों तरीके का ब्लड मिक्स हो जाएगा, एंड जो ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को चाहिए, जैसे कि बर्ड्स को चाहिए या ह्यूमंस को चाहिए, दे विल नॉट गेट द एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ब्लड इज मिक्सड. So they will not get enough amount of energy, and their requirement of energy will not be fulfilled. So it is for the betterment of the human beings and birds that they have four chambered heart, and oxygenated blood and deoxygenated blood are separated. Is that clear bacho? Ho gaya na? Like fishes mein only one two chambers are present. तो वो ब्लड किससे, वो जो हार्ट है वो किससे डील करेगा? ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, फिशेज का जो हार्ट है. एम्फीबियंस का हार्ट है थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, टू ओरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. और वेंट्रिकल में आते आते ब्लड कैसा हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. ऐसी रेप्टाइल्स में है थ्री चैम्बर्ड है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है इट हैज पार्शली फोर चैम्बर्ड हार्ट. इज दैट क्लियर बच्चों? हो गया ना मामला? तो जब दे विल रिसीव ब्लड बोथ, एंड बोथ विल पोर देयर ब्लड इन टू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. ये वाला अपने इसको देगा, ये वाला अपने इसको देगा. तो जब ये दोनों देंगे तो वॉल्व्स विल ओपन एंड देयर विल बी कॉन्ट्रेक्शन इन बोथ द ओरिकल्स सेम टाइम. यानी कि दोनों ओरिकल्स सेम टाइम पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर अपनी अपनी साइड का ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड का, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड का, वो किसको दे देंगे? अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल्स को. एंड दिस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑरिकल इज नोन एज सिस्टोल. इज दैट क्लियर? तो कॉन्ट्रेक्शन इन ऑरिकल्स इज नोन एज सिस्टोल. ओके, और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? उस ब्लड को रिसीव कर लेंगे. फाइन, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑरिकल्स क्या करेंगे? रिलैक्स मोड में रहेंगे, क्योंकि ये भी पिचक गए, ये भी पिचक गए, तो हो गया काम, रह गया आदमी जिंदा. फिर तो उसने सीधा सीधा कहां जाना है? कंधों पर जाकर के तीसरी दुनिया में पहुंच जाना है ना? तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? फैलना पड़ेगा. फैलने से मतलब नहीं है सब फैल जाएंगे, फैलने का मतलब अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे. ओके, सो व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट दे विल रिलैक्स. मींस व्हेन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट ऑरिकल्स विल रिलैक्स, एंड व्हेन ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल विल रिलैक्स. ओके, ऑरिकल रिलैक्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट.